गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल वॉन्डरिंग रोजो। आज है 12 मार्च और अभी बजे सुबह के 5:30 और आज मैं जाने वाला हूँ राजभवन, यस गवर्नर हाउस राजभवन जो मुंबई में है। तो ये पूरा वर्चुअल टूर आप लोग मेरे साथ एंजॉय करेंगे, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। सो अभी सुबह के 6 बजने वाले हैं और मैं पहुंचा हूं राजभवन। तो ये पूरा ऑफिशियल गाइडेड टूर होता है राजभवन का। ये आप कैसे बुक कर सकते हैं, कितना चार्जेस है, कितने देर का ये ट्रिप रहता है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये वीडियो में आगे देने वाला हूँ, तो ये वीडियो को आखिर तक देखना। और ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि कोविड की वजह से ये 1-1.5 साल तक बंद था, पर ये अभी स्टार्टिंग वापस से स्टार्ट हुआ है और इसके जो चार्जेस है ये भी चेंज हुए हैं, तो पूरा इन्फॉर्मेशन ये वीडियो में आपको आगे मिलने वाला है। सो द टूर इज ऑलरेडी स्टार्टेड एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द सनराइज पॉइंट। इसके पहले आप ये सनराइज पॉइंट और बाकी सारी चीज़ें देखें वीडियो में, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि अगर आपको इसका बुकिंग करना है तो आप कैसे इसको बुक कर सकते हो। तो आपको राजभवन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग चेक कर लेना। प्रोसेस एकदम सिंपल है, आपको एक आईडी कार्ड अपलोड करना होता है, उसके साथ एक आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना होता है और वहाँ पर पेमेंट करके आप बुकिंग कर सकते हैं। सो ये जो पूरा टूर होता है ये 2 घंटे का होता है, ये सुबह 6 बजे स्टार्ट होता है और 8-8:30 बजे तक ख़त्म होता है। अगर आपको ये टूर करना है तो आपको इनके वेबसाइट पर जाके ही बुकिंग करनी है, यहाँ पर कोई भी ऑफलाइन बुकिंग नहीं होता। और इसके चार्जेस है 125 रुपीज़। यस, पहले इसका चार्ज था 25 रुपीज़ ओनली, बट आफ्टर कोविड ये बीच में बंद था तो अभी थोड़ा सा इसका चार्ज बढ़ा दिया है और ये 125 रुपये है पर पर्सन। सो आफ्टर वॉचिंग द सनराइज वी हेड टूवर्ड्स सागर माता मंदिर। ये जो मंदिर है ये साल में एक बार ओपन होता है सभी लोगों के लिए, दैट इज इन द मंथ ऑफ जुलाई आफ्टर गुरु पूर्णिमा। Thank you.
बंकर के बाद जो नेक्स्ट प्लेस हम लोग ने विजिट किया वो था द असेंबली हॉल। जैसे हमारे गाइड बता रहे थे, अगर गवर्नर किसी को फेलिसिटेट कर रहे या तो ओथ सेरेमनी है, शपथ विधि है, तो वो ये असेंबली हॉल में होता है। और असेंबली हॉल के बाद जो लास्ट प्लेस हम लोग ने विज़िट करा वो था जल विहार, जो यहाँ का बैंक्वेट हॉल है। जब कभी भी कोई भी फॉरेन ऑफिशियल्स या कोई फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं, कुछ भी मीटिंग होता है, तो लंच या डिनर यही सर्व किया जाता है। राइट नाउ दिस प्लेस वॉज अंडर मेंटेनेंस, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया, पर जब मैं यहाँ पर बोर्ड चेक कर रहा था तो मुझे वहाँ पर सारे गवर्नर्स के नाम मिले फ्रॉम 1665। और मुझे ऐसे बहुत सारे नाम मिले जो मुंबई में रोड्स के नाम है, कॉलेज के नाम है, और जैसे फॉर एग्जांपल लेमिंगटन हो गया, रे हो गया, सैंडहर्स्ट, और क्रिकेट का मैच होता है, टूर्नामेंट होता है, हैरिस शील्ड, सो ये जो हैरिस नाम है, इसके अलावा सिडनम कॉलेज, तो जो सिडनम है, ये सारे नाम गवर्नर्स के ऊपर रखे गए। लॉर्ड रे के बाद हैरिस करके जो बनाया है उसके नाम से, यहाँ हैरिस टूर्नामेंट, हैरिस उसके बाद यहाँ सैंडहर्स करके जो बनवाया है 1885 उसके नाम से भी स्पेशल है। सैंडहर्स पर जो बनना, यहाँ एक अमेरिकन राइटर आए थे मार्क ट्वेन, आपने सुना होगा मार्क ट्वेन, मार्क ट्वेन है जिसे दिया लंच विद गवर्नर सैंडहर्स ऑन 26 जनवरी 1896, इस जगह पर उन्होंने होगा। उसके बाद यहाँ पे लैमिंगटन करके जो बनवाया है जिसके नाम से यहाँ का मित्र लोग है, जॉर्ज सिडनम क्लार्क करके जो बनवाया है जिसके नाम से कॉलेज है, सिडनम कॉलेज है। फिर एक विलिंगटन करके 1713 में गवर्नर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें विलिंगटन वॉर गवर्नर हुए, जिसके नाम से क्लब है, फिक्स करके गवर्नर जिसके नाम से यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन ब्रेबॉर्न करके यहाँ गवर्नर था, यहाँ स्टेडियम बिटवीन 33 एंड 32। उसके बाद में जो फ्यूचर गवर्नर राजर लमी एंड जॉन कॉल विद लास्ट गवर्नर, इनके नाम से मुंबई में ज़्यादा बात नहीं है। सवाल है कि पूछ सकते हैं आप नेशनल Thank you.